हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार गाइस, आज आए हो अपने बगीचे में। कल मैंने आपको बताया था कि यार हमने बहुत सारे पट्टे जो बाहर आए हुए थे उन्हें अलग कर लिया था। अब यार गाइस देखते हैं कि ढोलियों में यार कितने पट्टे पड़े हुए हैं हमारे पास। अभी गाइस कल मैं अलग कर पी जा रहा हूँ और आज मैं देख रहा हूँ, ये देखिए एक दो पट्टे और बाहर आए हुए हैं। एक ये आया हुआ है बाहर और इसके अलावा एक दो और भी बाहर आया हुआ। तो यार अभी जो बाहर है उनको नहीं गिनते, एक दो यार बाकी जो ढोलियों के अंदर है उनको गिनते हैं। कुर्सी को हम रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि यार ये कुर्सी बड़ी कीमती होती है। इसके पीछे कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, हर कोई कहता है कुर्सी मुझे चाहिए। तो यार गाइस कुर्सी को यार मैंने एडजस्ट कर दिया। गाइस बहुत सारे हो गए यार, अब ये उड़ते भी है ना तो पता चलता है कि यार कोई चीज़ उड़ रही है। तो यार ऊपर चढ़ा गाइस मैं, अभी ये सब के सब जितने ढोलियों के अंदर बैठे हुए हैं सारे उड़ के उस साइड पर जाएंगे। चलो भाई जाओ 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 जाओ, अब मेरी बारी है। तो यार पिछली बार तो गाइस ढोलियों के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन यार हमें गिना कि 45 से 50 बच्चे निकले हुए थे। आज काम होंगे क्योंकि यार कुछ को मैंने पकड़ के अलग कर दिया। जो बहरा तो जा रहे हैं ना उनके मैं ताज़े गर्म अंडों की तरह ना पकड़ पकड़ के अलग करता आ रहा हूँ, क्योंकि यार वो जब मिल जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होती है मुझे। सारे मुंह देखे यहीं पर करके बैठे हुए हैं, किसी का भी मुंह उस साइड पर नहीं है, ताकि देख रहे हैं कि भाई हमारे ढोले के साथ क्या होने वाला है। ये देखें सारों का मुंह यहीं पर है। एक ये वाली फीमेल बैठी हुई है, पता ही वहाँ पर मुंह क्यों बैठे, क्योंकि इसके अंडे बच्चे हैं ही नहीं, यहाँ नहीं फारिग फिरती रहती है। तो यार सबसे पहले चेक कर देगा ढोली नंबर 1 को, तो तुम नहीं उड़े। तो यार मेरी इस टाइम टांग में दर्द है गाइस, काफ़ी मुश्किल हो रही है मुझे। तो लाया यार ढोली नंबर 1 को चेक करते गाइस, ढोली नंबर 1 में 2 बच्चे हैं। ओ तेरी गाइस, एक बच्चा एक्सपायर हो चुका है, छोटा सा 2 बच्चे हैं गाइस जो नजर आ रहे हैं। तो यार इसकी ढोली की मैं सफाई करके मैं दोबारा लगा देता हूँ। तो 2 को चेक कर लेते हैं गाइस, 2 में फीमेल, ये देखो ये देखो यार 2 में फीमेल ने 9 अंडे भी दे दिए। इसके अलावा इसके 2 बच्चे पहले वाले जो है वो बड़े हुए पड़े हैं यार। इसका फैलो बच्चा भी यार ठीक है, माशाल्लाह लगे यार ये फैलो बच्चा बहुत प्यारा, लेकिन ये अभी तक बाहर नहीं आया। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं गाइस नंबर 3 को, इसके अंदर कुछ नहीं है। 4 को चेक कर लेते हैं, 4 में 3 बच्चे हैं, इसके 4 बच्चे पैदा हुए थे जिनमें से एक एक्सपायर हो गया। ढोल नंबर 5 को ये वाली फीमेल अंडे देना स्टार्ट कर रही थी, लेकिन इसको गर्मी लग रही थी, इसलिए पहले भाई अपने घर का दरवाज़ा सेट कर लूँ। ये अब इसके घर का दरवाज़ा है और ये इसकी विंडो है, दो ठीक है। तो यार इसके अंदर अंडे दिए हुए, इसके अभी तक बच्चे नहीं निकले। मेरे ख्याल में यार इसके बच्चे निकलेंगे भी नहीं वो यार ऐसे गैस, क्योंकि यार ये इसका पहला क्लास है और ये मुझे अंडे ना ख़राब लग रहे हैं इसके, पता नहीं देखो क्या होता है। तो नेक्स्ट चेक कर देगा गाइस नंबर 6 को, 6 में सारे बच्चे जिसके थे ना, इसने ना छुट्टा मार के बच्चों को बाहर फेंक दिया। ये देखें यार इसकी दुम पता नहीं कहाँ है। तो यार इसने ना बच्चों को बाहर फेंक दिया, इसने कहा भाई अब मैंने उतारने हैं नए अंडे। इसने अंडे दे दिए थे और बच्चे इसके बैठे हुए थे, खैर वो बच्चे बाहर आ गए और उनको मैंने पकड़ भी लिया होगा। गाइस इसके अंडे हैं, तो मेरे ख्याल में यार अभी इसके बच्चे निकलना नहीं स्टार्ट हो गए। तो अभी इसके अंडे बच्चे निकल बहुत ही जल्द निकल आएंगे। नेक्स्ट 7 को चेक कर देगा, 7 के भी 3-4 बच्चे थे वो भी बाहर आ गए और इसने नए अंडे दे दिए। ये दोनों फीमेल ने बिल्कुल इकट्ठी जा रही है, वो बस रेस है इनकी दोनों की कि कौन आगे निकलता है। तो नेक्स्ट चेक कर देगा जो नंबर 8 को, 8 में 1, 2, 3 बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे और ये वाइट कंट्रास्ट में निकला हुआ बच्चा बड़ा प्यारा। तो इसके अंदर इसकी फीमेल जर गाइस जरा बाहर गई हुई है, इसकी दोस्त की शादी थी, उसने कहा पहले मैं चली जाऊँ, मैंने कहा ठीक है चली जाओ। तो यार 9 को चेक कर लेते हैं गाइस, 9 में कुछ नहीं है हमारे पास। 10 को चेक कर लेते हैं, 10 में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चा काफ़ी प्यारा है और इसके अलावा ये भी काफ़ी प्यारा है। तो यार फीमेल ने 2 ही बच्चे निकाले हैं, इसकी एक अंडा भी पड़ा हुआ है, अभी फीमेल ने नए अंडे नहीं दिए। नेक्स्ट 11 को चेक कर लेते हैं गाइस, 11 में भी हमारे पास ये भी फीमेल बैठी हुई है, इसके बच्चे भी थे। तो इसके बच्चे मेरे ख्याल में वो बच्चे हैं, थे यार बच्चा निकला हुआ है छोटा सा, वो देखिए है ना इसके बच्चे निकल रहे हैं अभी। तो इसके पहले वाले बच्चे थे वो बाहर आ गए होंगे मेरे ख्याल में। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं जोली नंबर 12 को, तो 12 में अंडे हैं, अंडे ख़राब हैं। तो 13 की चेक कर लेते हैं, 13 में 1, 2, 3 बच्चे बैठे हुए हैं, इसके 4-5 बच्चे थे, 2 इसके मेरे ख्याल में बाहर आ गए हैं। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं लास्ट जोली को, तो लास्ट में भी 1, 2 और 3 बच्चे हैं गाइस इसके, इसके 3 बच्चे हैं यार। तो यार पहली लाइन मैंने चेक कर ली गाइस, तकरीबन सारों में ही बच्चे और अंडे थे। तो यार अब ना यानी कि कुछ फीमेल्स का नया क्लास से आना स्टार्ट हो रहा है, यूँ समझो यार इसने भी नए अंडे दे दिए, इसने भी 3-4-5 के ना समझा थर्ड क्लास भी उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया और कुछ अभी दूसरे क्लास पर फिर रहे हैं। फिर कभी एक लाइन को यार मैंने चेक कर लिया, अब हम चल रहे हैं दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन के यार मैंने कहा कि बच्चे गिनेंगे, लेकिन बच्चे नहीं गिन सकता मैं, क्योंकि यार गिनने लगूंगा फिर कुछ और नहीं होता, फिर बच्चे ही गिनते जा रहा होता हूँ मैं। तो यार 15 की बारी आती है, 15 ये अंदर नहीं होगी गाइस, अंदर होती है ना जैसे मैं 15 कहता हूँ ना निकल जाती है भाई, ये देखा अंदर नहीं बैठी। तो माशाल्लाह यार इसके बच्चे देखे गाइस कितने प्यारे प्यारे हैं, 1, 2, 3, 4 इसके बच्चे हैं और चारों बिल्कुल ओके हैं और अभी तक फीमेल ने नया पहन दिया। नेक्स्ट 17 को चेक कर लेते हैं गाइस, 17 में कुछ नहीं है हमारे पास। 18 को चेक कर लेते हैं, 18 में एक बच्चा बैठा हुआ है, इसके 2 या 3 बच्चे थे, बाकी बाहर आ गए होंगे एक बच्चा। इसको बिल्कुल सेम टू सेम ये देखे ना, ये वैसे का वैसा जैसे मैंने आपको दिखाया है एक बच्चा, तो देखिए वो ऊपर बैठा हुआ है वैसे का वैसे, तो वो इसी डोली से ही निकल के बाहर गया। तो यार इसमें ना आपको कुछ डोलियाँ ना गाइस खाली नजर आएंगी, वो यार इसलिए कि मेरे पास जो पेयर है ना वो काफ़ी कम है डोलियों की नस्बत, तो इसलिए यार। तो 19 को चेक कर लेते हैं, ये देखिए 19 भी खाली है। 20 को चेक करते हैं, 20 में माशाल्लाह गाइस ये वाली फीमेल है और वो उसका एक बच्चा है और ये इसका एक बच्चा, मेरा सबसे पसंदीदा बच्चा है इस क्लास का ये वाला यार, क्योंकि ये यूनिक है। हालांकि ये इतना प्यारा कलर नहीं है यार, सेम टू सेम ऐसे कैसे मेरे पास येलो में फिर रहे हैं,
लेकिन ये जो ब्लू में है ना तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है मेरे ख्याल में यार। वो ये वजह है गाइस ये, क्योंकि मेरे पास ना ब्लू का कंट्रास्ट बहुत कम है। ये को चेक कर लेते हैं गाइस, 21 में दो बच्चे हैं और फीमेल भी अंदर बैठी हुई है, अपने बच्चों को टाइम दे रही है, बच्चों की तरबियत कर रही है। और इसके अलावा 22 को चेक कर लेते हैं गाइस, 22 के भी यार अंडे थे लास्ट टाइम, तो अब मेरे ख्याल में इसके बच्चे निकल आएंगे क्योंकि इसने ना अंडे दिए हुए थे काफ़ी अर्से से, तो इसके अंडे तो नजर आ रहे हैं। इससे मुझे मेरे ख्याल में इसके बच्चे निकलना नहीं है, स्टार्ट अभी इसको दे रहा है। हाँ दे रहे हैं, 6 अंडे इसमें दिए हुए हैं लेकिन अंडों का भी इसको दे रहा है। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 23 को, 23 में कुछ नहीं है, 24 चेक कर लेते हैं खाली है, 25 तो इसके अंदर भी दो बच्चे थे और फिर मेरे नए अंडे भी लेना स्टार्ट कर दिए, और इसके अलावा ये दो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े हो रहे हैं। तो नेक्स्ट चेक करते हैं गाइस, जोड़ी नंबर दो लाइनें रह गई हमारी सिर्फ, एक और दो, दो और एक। गाइस आप देख रहे हैं कुछ कुछ दो मैंने यार 3 या 2 बच्चे पड़े हुए हैं, किसी में एक बच्चा भी पड़ा हुआ है। सर इनके जो भाई है ना काफ़ी सारे वो बाहर निकल के आ गए हैं, ये नहीं है कि इन्होंने इतने ही अंडे दिए। जो छोटे बच्चे हैं ना तो यूँ समझ लीजिए कि वो उतने ही हैं, जो बड़े हैं ना तो समझिए यार उनके कुछ बाहर आ चुके होते हैं और वहाँ उस हफ्ते तक पहुँचते एक दो भाई इनके मर भी चुके होते हैं। 26 को चेक करते हैं यार, 26 में हमारे पास दो बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है। 27 को चेक कर लेते हैं, 27 में कुछ नहीं है, 28 देख लेते हैं। तो इसके अंदर फीमेल अंडे दिए हुए हैं, अब इसके बच्चे नहीं निकले और फीमेल बहुत खूबसूरत है यार। 29 को देखने का इसके यार 5 बच्चे निकले हुए हैं, देखे ना मुझे इसके बच्चे याद ठहरे हुए हैं। वो इसलिए गाइस क्योंकि ये यूनिक फीमेल है, मैंने आपको पहले भी कहा था यार एक बच्चे जो थोड़ा सा यूनिक होता है ना वो तो पीछे को याद ठहरा होता है ना, बाकी को ठहराओ या ना ठहराओ। तो यार इस टाइम फीमेल उठ नहीं रही, मैं इसको उठाने की तो फुल कोशिश कर रहा हूँ, बट यार मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही कि इसके यार 5 बच्चे हैं वो मैंने देखे थे आज, वो देखे ना ये छोटे 5 है गाइस। तो ये इसको बंद कर देना, बैठो आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं आराम से बैठो। यार अब हमारी एक लाइन रह गई गाइस, इसको चेक कर लेते हैं। इससे तकरीबन 1, 2, 3 बच्चे हैं छोटे रेड एल फीमेल के, 31 इसकी यार फीमेल के नए बच्चे भी निकल आए गाइस 2-3, और लेकिन इसका एक पीछे वाले क्लास का बच्चा पड़ा हुआ है ये जिसके साथ बैठा हुआ है यार, थोड़ा सा ना माजूर है बच्चा। तो 32 को चेक कर लेते हैं खाली है, 33 को चेक कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम। तो 33 में 1, 2, 3 बच्चे पड़े हुए हैं छोटे छोटे। तो यार प्रोग्रेस मैंने चेक कर लिया, सब कुछ प्रोग्रेस चेक कर लिया, सब दोनों चेक कर लिया गाइस। माशाल्लाह आज हमारा एक पैरेट अंदर इसके यानी कि खुद ब खुद खा रहा है। कल मैंने आपको दिखाया था ना कि यार ये प्याले को पकड़ने, ये देखें आप, ये देखें ये इस टाइम प्याले को पकड़ है और ये भी, लेकिन ये वाला जो दरमियान में बैठा हुआ है ना ये देखना भी खुद खाएगा। देखो माशाल्लाह यार प्याली में से भूखे है ना, 12 घंटे हो चुके हैं तकरीबन इनको फीड करवाए। तो ये देखो यार प्याली में से खुद उठाते हैं, ये देखो यार माशाल्लाह अब ये यानी कि सेल्फ होते जा रहे हैं यार, आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ होते जा रहे हैं। अब ये देखें इसका मुंह में हम अंदर करें ना, ये हालांकि छोटे हैं उनसे काफ़ी, अब इसके पार भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये देखें ये भी प्याली में से उठा उठा के खा रहे हैं। बड़ों को देख देख के सीखता यार, ये देखो यार सारे के सारे खुद उठा के खा रहे हैं। बस अब ना हम बस 2-3 दिन बाद ना इनको दे दिया करेंगे ऐसे ही, और ये खुद ब खुद बैठ के खाया करेंगे। अभी शुरू में ऐसे होगा यार ये थोड़ी सी खुद खा लें, यानी कि इनकी समझे आदत भी बन जाए और इनकी भूख भी ना मरे, और इसके बाद हम इन्हें खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमने इन्हें नहीं खिलाया, ऐसे ही हमने निकाला और इन्होंने खुद खाना स्टार्ट कर दिया। प्याली पड़ी हुई थी तो यार इसको यहाँ पर हम बिठा रहे हैं, इंशाल्लाह ये खुद खाएगा। अभी ये फिलहाल डर के पीछे हो रहा है, खाओ भाई खुद खाओ, शाबाश, देखो टेस्ट भी आ रहा है उसको और वो पसंद भी आ रही है। चलो यार खाओ, हाँ खाओ खाओ खाओ, आज तुम पेट आप भरो, तुम्हें नहीं खिलाएंगे हम, खाओ 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 खाओ। गाइस देखें हमने इसे बिठाया ना ये प्याली के अंदर, खुद ब खुद अंदर मुँह करेगा और खाएगा इसे, ये देखें यार खुद ब खुद मुँह अंदर किया और ये देखो यार खा रहा है। हाँ मज़ा आया ना, इसे कहते हैं बेटा सेल्फ सर्विस। चलो आज से खुद खाना अब। तो यार ये अभी फिलहाल बैठा हुआ है, इसको भी बाहर रखेंगे, ये भी इंशाल्लाह खुद खाएगा। ये भी हालांकि उनसे छोटा है लेकिन बड़ों को देख देख कर ना ये भी आदि होता जा रहा है और ये भी खा लेगा इन्हीं की तरह ही। के यार वो तकरीबन तो हमने 3-4 दिन पहले ही की है उसकी प्रोग्रेस, तो उसमें यार तकरीबन 30 बच्चे थे जिनमें थे मैंने आज पकड़ लिया, वहाँ से 10 बच्चे वहाँ से पकड़े तकरीबन, तो अब मेरे ख्याल में डोले में 22-25 बच्चे पड़े हुए हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।